सभी भक्त ध्यान दीजिए, ये आप तृतीय स्कंध तक की कथा को सुन चुके हैं। सती, अब ये बात तो आपको पता ही होगी कि सती मैया का विवाह किसके साथ में हुआ। सती मैया का विवाह किसके साथ में हुआ? भगवान भोलेनाथ के साथ में। सती किसकी पत्नी है? भगवान भोलेनाथ की। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक बार देवताओं की सभा में दक्ष आया। सभी ने खड़ा होकर दक्ष का सम्मान किया, लेकिन भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। और दक्ष अहंकारी तो था ही, इसे क्रोध आ गया। सोचने लगा, ओहो, इस शंकर ने मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे प्रणाम नहीं किया। अब ये भगवान शंकर से बुरा भला कहने लगा। लेकिन भोले बाबा तो भोले ही हैं, उन्होंने इसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कितनी भी उनसे बुरा भला कह रहा था, वो ध्यान नहीं दे रहे थे, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन भगवान शंकर के परम भक्त नंदी भी वहां पर उपस्थित थे, तो दक्ष ने भगवान शंकर की जो निंदा की, तो अपने स्वामी की, अपने प्रभु की निंदा नंदी पर सही नहीं गई। क्रोध में आकर के नंदी ने दक्ष को श्राप दे दिया, है दक्ष तू तो मूर्ख है, तू मेरे शिव का अपमान कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू मूर्ख ही रहेगा, तुझे कभी आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। लेकिन भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, वो तो अपने कैलाश पर्वत पर आ गए और समाधि में चले गए, ध्यान में लग गए। कई वर्षों बाद दक्ष ने हरिद्वार में एक बृहस्पति सब नामक यज्ञ करवाया, तो उस यज्ञ में सभी देवताओं के लिए निमंत्रण पत्र भेजे, लेकिन कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के लिए कोई भी निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। लेकिन और सभी देवताओं के लिए निमंत्रण भेजा, इसलिए सभी देवता अपने विमान में बैठ कर के कैलाश पर्वत से होते हुए जा रहे थे। सती मैया की उन पर दृष्टि पड़ गई और संयोग ऐसा रहा कि उसी समय भगवान भोलेनाथ की समाधि भी खुल गई। और ध्यान देना, जब भगवान शंकर का उस दक्ष ने अपमान किया, तो ये बात भोले बाबा ने आकर के सती मैया को बताई नहीं थी। सती को ये पता ही नहीं है कि मेरे पिता से मेरे भोले बाबा का झगड़ा हो गया है, इस बात का नहीं पता, क्योंकि भोलेनाथ ने बताया ही नहीं। अब सती ने देखा, मैया सती ने देखा कि सभी देवता विमान में बैठ कर के कहीं जा रहे हैं। भोले बाबा से पूछा, हे स्वामी, ये सब जा कहां रहे हैं? तब कहीं जाकर के भोलेनाथ ने वो पुरानी बात बताई, वो कई वर्षों पुरानी घटना बताई कि तुम्हारे पिताजी से हमारा झगड़ा हो गया है, इसीलिए उन्होंने हमें यज्ञ में नहीं बुलाया है, वो हरिद्वार में एक यज्ञ करा रहे हैं। ये सूचना जब मैया को मिली, तो मैया सती भगवान भोलेनाथ से आग्रह करने लगी, हे स्वामी, माता पिता और गुरु के यहां तो बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ ने कहा, नहीं सती, जदपि विरोध मान जहां कोई, तहां जाए कल्याण न होई। हे सती, जहां पहले से ही विरोध चल रहा हो, लड़ाई झगड़े की आशंका हो, तो वहां जाने से कल्याण नहीं हो सकता है, वहां ना जाने में ही अच्छाई है। तो माता सती भगवान भोलेनाथ से बार बार आग्रह करने लगी कि हे स्वामी, आप चलिए, पिता के यज्ञ में चलिए, बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए, चलिए चलिए। लेकिन भोलेनाथ ने बस एक ही बात कह दी, हे सती, होई है वही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा। हे सती, भगवान ने जो रच दिया है केवल वही होगा।
कितना भी तर्क वितर्क करते रहो, कितना भी प्रयास करते रहो, लेकिन तर्क वितर्क करने से पेड़ की जो शाखा है, पेड़ की जो डाल है, वो जल्दी से नहीं बढ़ जाएगी। उसका जब समय होगा उसी के अनुसार उसमें बदलाव होगा। माता सती नहीं मानी, माता सती अकेली ही पिता की यज्ञ में जाने लगी। तब भोलेनाथ ने नंदी जी महाराज को बुलाया और कहा, हे नंदी, तुम सती के साथ में जाओ और सम्मान सहित लेकर के जाना मेरी सती को। क्यों? क्योंकि अब मेरी और सती की इस शरीर से पुनः भेंट नहीं होगी। ये हमारा अब आखिरी मिलन है। तब नंदी जी महाराज अपनी पीठ पर बिठा करके मैया सती को ले गए। भोलेनाथ के गण भी उनके साथ में जा रहे हैं। आज जैसे ही माता सती पिता की यज्ञ में पहुंचती हैं, तब अपनी माता प्रसूति के गले से सीने से लिपट करके रोने लगती हैं, कहने लगती हैं, हे माँ, आप इतनी बड़ी यज्ञ करने के लिए जा रही हो और आपने हमें निमंत्रण भी नहीं भेजा, एक सूचना तक नहीं भिजवाई कि हम आपके लिए पराए हो गए हैं। इतना सुनकर तो माता प्रसूति की आंखों में भी आंसू आ गए और बोली, हे बेटी सती, मेरा तो बहुत मन था कि मैं तुझे बुलाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, तेरे पिता के आगे मैं क्या कह सकती हूं, तेरे पिता के डर से मैं कुछ ना कर सकी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। रामचरित मानस के अनुसार तो सती की बहनों ने सती की हंसी उड़ाई है। मैया सती से सब कह रही है, देखो इस सती को, किसी ने बुलाया भी नहीं और बिना बुलाया गई है। आज इतना सब सुनने के बाद दौड़ी दौड़ी माता सती अपने पिता दक्ष के पास पहुंची, लेकिन दक्ष ने भी सती मैया का अपमान कर दिया, उन्हें सम्मान नहीं दिया। लेकिन फिर भी माता सती क्रोधित नहीं हुई। सती मैया को क्रोध कब आया? आज सती मैया की दृष्टि जब यज्ञ में यज्ञ की ओर पड़ती है तो मैया ने देखा कि सभी के लिए आसन बिछे हुए हैं, सभी के लिए यज्ञ में भाग है, यज्ञ में सबको स्थान दिया है बैठने का, लेकिन मेरे भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं है, मेरे भोलेनाथ के लिए कोई आसन नहीं बिछा, उनकी किसी को चिंता ही नहीं है। आज इस दृश्य को जब माता सती ने देखा तब तो आंखें क्रोध के मारे लाल लाल हो गईं और दक्ष से मैया सती ने कहा, यद्वै क्षरण नाम गिरेर तम नृणाम सकृत प्रसंगा कख मासु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ शासनम भवानहो द्वेष्टि शिवम शिवेतर। मैया सती ने कहा, हे दक्ष, मेरे जिन प्रभु का केवल दो अक्षर का नाम शिव केवल एक बार उच्चारण करने मात्र से ही प्राणियों के पापों को जलाकर के भस्म कर देता है, काल भी जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता है, मेरे ऐसे उस विश्वनाथ की तू निंदा करता है? जिह्वा असु नपि ततो विसृजेत सधर्मः। आज मेरी इच्छा तो ये कर रही है, मेरा मन तो ये कर रहा है कि जिस जीभ से, जिस जिह्वा से तुमने मेरे शंकर की निंदा की है, तुम्हारी उसी जीभ को काट करके फेंक दूं। लेकिन एक पुत्री होने के नाते मेरे लिए ये उचित नहीं है, ये मेरी मर्यादा नहीं है, ये मर्यादा का उल्लंघन है। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। ध्यान देना, विचार करिए,
अपने हृदय में चिंतन करिए गंभीर रूप से, ये समझिए कि मान के चलो कोई पुत्री अपने पति से लड़ झगड़ करके अपने पिता के पास गई हो तो पिता का फर्ज बनता है अपनी पुत्री को समझाए। लेकिन यदि पिता भी उसका सम्मान ना करे, उसे आदर ना दे, तो वो पुत्री करेगी क्या? फिर पुत्री का है ही कौन? वो पुत्री वही करेगी, वो बेटी वही करेगी जो माता सती ने किया। आज माता सती दक्ष की यज्ञ में आसन लगाकर बैठ गई और दक्ष से कहती हैं आंखों में आंसू भर के कि हे दक्ष, तेरे कारण मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, तेरे कारण मैं अपने शिव से अलग हो गई, दूर हो गई। हे दक्ष ध्यान देना, मेरे जाने के बाद तेरा भी हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा। आज भगवान शंकर का स्मरण कर रही हैं माता सती और भगवान शंकर से कह रही हैं, हे प्रभु आप ये मत समझ बैठना कि सती तो मेरा त्याग करके चली गई। हे प्रभु, जब मुझे ये पता चला कि मेरे पिता से आपका झगड़ा हो गया है तो सोचा कि दोनों को समझा बुझा करके यज्ञ में बुलवा लूंगी, जिससे कि जो लड़ाई झगड़ा है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप दोनों को मिलाने के चक्कर में मैं आपसे ही हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। हे प्रभु, मैं ये जानती हूं कि मेरे पिता ने जब भरी सभा में आपका अपमान किया तो आप चाहते तो एक थप्पड़ में ही इस दक्ष के प्राण निकाल देते, लेकिन आपने दक्ष से कुछ कहा तक नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरे पिता थे। आपने उस मर्यादा को देखते हुए कुछ नहीं कहा। और मैं ये भी जानती हूं कि हे स्वामी, अब मेरे जाने के बाद आप इस दक्ष का सर्वनाश कर दोगे, लेकिन हे स्वामी अब मैं इस शरीर से आपसे पुनः नहीं मिल सकती हूं। क्यों? क्योंकि अब मैं आपकी आंखों में आंखें डाल ही नहीं पाऊंगी। परंतु अगर मैंने मन कर्म वचन से आपकी सेवा की है तो हे प्रभु, मैं ही पार्वती बनकर आपको पति के ही रूप में प्राप्त करूंगी। इतना कहकर के माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर के शांत कर दिया।